नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। एक बड़ी खबर सामने आ रही है नैनीताल हाईकोर्ट से। आपको बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि नैनीताल में ट्रैफिक की समस्या नहीं सुलझाई तो जल्द ही जोशीमठ जैसे हालात होंगे। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पर्यटक सीजन के दौरान नैनीताल में वाहनों की भीड़ से ट्रैफिक जाम होने के कारण आवश्यक सेवाएं बाधित होने को लेकर खुद संज्ञान से ली गई जनहित याचिका पर सुनवाई की है। आपको बता दें, अधिवक्ता द्वारा कुछ दिनों पहले मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शहर में ट्रैफिक जाम होने से हो रही परेशानियों से अवगत कराया गया था। पत्र में कहा गया था कि नैनीताल में खासकर सीजन के दौरान ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इस समस्या को समय पर नहीं सुलझाया गया तो यहाँ के हालात भी जोशीमठ की तरह हो सकते हैं। स्थानीय प्रशासन ने यातायात प्रबंधन को नजरअंदाज किया है, जिसकी वजह से अव्यवस्था हुई है। इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने नैनीताल में पार्किंग कम होने के कारण यहां हेली सेवा, रोप वे और शटल सेवा बढ़ाने को कहा है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।